सागर के मोती नगर थाना में वृद्ध महिला के अंधे कक्ष का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी के इरादे से घर में घुसकर बलात्कार कर वृद्ध की हत्या को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि महिला के साथ बेहोश होने के बाद दुष्कर्म किया गया। मामले में दो आरोपी सुरेंद्र शर्मा गोलू अहिवार को गिरफ्तार किया गया है। इन पर पूर्व में भी अपराधों में शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं आजी सतीश श्रीवास्तव ने 25,000 रुपए का इनाम सागर टीम को देने की घोषणा की। करीला क्षेत्र जो कि थाना मोती नगर में आता है, इसमें ये सूचना मिली कि एक वृद्ध महिला अपने घर में पड़ी हुई है और इसकी हत्या कर दी गई है। इस पे से FSL टीम थाना मोती नगर और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रथम दृष्टया जो देखने पे पाया उसमें ये वृद्ध महिला की हत्या की गई थी। और ये भी घटनास्थल देख के प्रतीत हो रहा था कि इसके साथ गलत काम भी किया गया है। इसमें इसका मर्ग कायम किया गया, PM कराया गया और इसके बाद इसमें अपराध 376-302 का कायम किया गया और एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें एडिशनल SP CSP थाना प्रभारी मोती नगर और उनके थाने के स्टाफ था। और बड़ी मेहनत से टीम ने काम करते हुए 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया है। इसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, गोलू अहिरवार और सुरेंद्र को, और इन्होंने अपना आरोप स्वीकार कर लिया है। मूलतः ये दोनों घर में लूट के उद्देश्य से घुसे थे और परंतु इसके बाद उन नशे में थे तो नशे में ही इन्होंने इसके साथ बलात्कार और फिर हत्या कारित कर दी। इसकी कान की झुमकियाँ, मोबाइल, कुछ पैसे लेके ये फरार हो गए जो कि इनसे बरामद कर लिया गया है। और घटनास्थल से जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो भी कलेक्ट कर लिए गए हैं और इसमें जो आरोपी हैं इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है जो कि कलेक्ट किया जा रहा है। और कुल मिला के 24 घंटे के अंदर ये सनसनीखेज वारदात थी, इसका खुलासा टीम ने कर लिया है। और इसके लिए IG सर की तरफ से 25,000 रुपये का कैश अवार्ड भी टीम को देने की उन्होंने घोषणा की।